भयंकर ठंड में हम और आप घरों में दुबके, लेकिन उनका क्या। बेघरों के लिए तो हर साल आपदा की तरह आती है सर्दी। पूरा दिन ठिठुरते हैं, रात और बेरहम हो जाती है। इंसान तो इंसान, जानवर भी ठंड से है परेशान। सीला देवी पिछले 3 साल से दिल्ली के ओखला स्थित स्लम में रह रही हैं। हर साल दिसंबर से फरवरी तक के 3 महीने उनके लिए किसी आपदा से कम नहीं होते। सीला के पास 2 कंबल हैं, उन्होंने दोनों ओढ़ रखे हैं, फिर भी कांप रही हैं। अपने 2 साल के बच्चे को सीने से चिपकाए वे आग तापती दिखती हैं। खुले आसमान के नीचे उस मासूम ने अभी दुनियादारी भी नहीं समझी। उसे नहीं मालूम कि फिलहाल यही उसकी नियति है। गरीबी का बोझ बड़ा भारी होता है, बेघरों के लिए वह बोझ 2 गुना हो जाता है। हम और आप जरा सी ठंड में स्वेटर, जैकेट, मफलर, दस्ताने सब लाद लेते हैं। इन लोगों के पास तो कंबल के सिवा कुछ नहीं होता। हर साल सर्दी आती है और उन्हें यह एहसास करा जाती है कि मौसम भी बेरहम हो सकता है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में शीत लहर ने फिर दस्तक दी है। हम और आप तो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस से आने जाने में सिहर जाते हैं। उनकी सोचिए जिनके 24 घंटे खुले आसमान के नीचे बीतते हैं। पहनने को गर्म कपड़े भी उन्हें मैसर नहीं है। बर्फीली हवाएं उन्हें किसी नस्तर की तरह चुभती हैं। एक जीनी स्वेटर जैकेट में वे पूरा दिन ठिठुरते हैं। रात आती है तो किसी तरह कंबल का जुगाड़ कर कहीं भी सो जाती हैं। सुबह उठते हैं तो कोहरा कंबल को भिगो चुका होता है। सरकार शेल्टर होम्स के दरवाजे खोल तो देती है, मगर हर किसी को उनमें जगह नहीं मिलती। कुछ भले लोग कंबल दान करते हैं तो उन्हें दुआएं मिलती हैं। बस वही चुभने वाला कंबल ही ठंड के खिलाफ उनका हथियार है। ठंड में ठिठुरते ठिठुरते कई बेघर दम तोड़ जाते हैं। सीएचडी के अनुसार 2022 में सर्दी के महीने में अकेले दिल्ली में ही 1400 बेघरों की मौत हुई। डेटा बताता है कि एक दशक में ऐसी 14500 मौतें हुई हैं। ये सिर्फ दिल्ली के आंकड़े हैं, समूचे उत्तर भारत में मौतों का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दिल्ली का ओखला एरिया सर्द दोपहर में एक फ्लाईओवर के नीचे उदय फाउंडेशन एनजीओ की कार रुकती है, उसमें कंबल भरे होते हैं। एहसास होते ही फौरन 2 लाइनें लग जाती हैं, एक पुरुष की और दूसरी महिलाओं की। इनमें से ज्यादातर ने एक लेयर कपड़े ही पहन रखी हैं। कुछ ही देर में भारी भीड़ जमा हो जाती है, कंबल के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है। अब दूर दूर से भी लोग जुट गए हैं। भयंकर ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए कंबल पाने को बेकरार है। ये नजारा किसी एक जगह का नहीं, कमोबेश पूरे उत्तर भारत में जब कोई कंबल बांटने निकलता है तो यही मंजर होता है। ठंड से इंसान ही नहीं जानवर भी बेहाल है। कुछ भले लोग स्ट्रीट डॉग्स के लिए कोट्स दान करते हैं। जिन कुत्तों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं वो इंसान के पास ही आसरा तलाशते हैं। गूंज नाम की सामाजिक संस्था के फाउंडर अंशु गुप्ता कहते हैं कि टेम्परेरी शेल्टर्स की संख्या बढ़नी चाहिए। उन्होंने मीडिया से कहा, हम कब से कह रहे हैं कि कम से कम रात के वक्त पब्लिक बिल्डिंग्स के दरवाजे खोल देना चाहिए। कोविड के चलते बड़ी आबादी शहरों से गांव में माइग्रेट कर गई है, उनकी जरूरतें भी बढ़ी हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्सिस भारत।